Hey everyone, welcome to Shom's IAS. I am Shivangi Sharma and here I am with our fourth chapter of history of class 11th which we were going on, and the name of the chapter is The Three Orders. So, dekh lo, naam inna complex nahi hai, naam kafi zyada simple hai and the simplest gonna be chapter as well. So, chapter ka naam hai Three Orders, matlab teen order. Ab, ye teen orders kya hai? सो यहाँ से अगर आप ऐसे बोलोगे तीन ऑर्डर्स तो आपके दिमाग में मतलब एक पता नहीं चल रहा है ना कि चैप्टर में होने क्या वाला है, चैप्टर में आने क्या वाला है. सो चलो आपकी सस्पेंस को हटाते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर. सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सारे सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस जो कि वेस्टर्न यूरोप में आए थे 9th और 16th सेंचुरी के बीच में. ठीक है, मतलब 9th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के बीच में जो भी, सपोज 9th सेंचुरी एंड दिस इज 16th सेंचुरी, इसके बीच में जो भी सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चेंजेस आए थे वो इन चीजें उन्हीं चेंजेस को जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के चैप्टर में. ठीक है, सो देखो बेसिकली देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्स. मतलब एक पॉलिटिकल फोर्स नहीं थी. जैसे पॉलिटिकल फोर्स मतलब जैसे इंडिया में गवर्नमेंट है, सो गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती है. सो ऐसे ही एक पॉलिटिकल फोर्स की एब्सेंस थी. जब जो जब पॉलिटिकल फोर्स नहीं थी तब मिलिट्री होगी. मिलिट्री अपनी मिलिट्री की वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट, मिलिट्री का मतलब कॉन्टीन्यूसली कन्फ्लिक्ट कर रही थी. ठीक है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने अपनी ही लैंड बना लिए थे, मतलब अपने लैंड को खुद ही कंट्रोल कर रहे थे. कौन डिफरेंट डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो इस टाइम पर ये फीचर्स है जिससे हमें पता चलता है कि जो उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा जो मतलब बोल दो ना एक एसेंस है, सो वो एसेंस इधर रोमन ट्रेडिशन का भी था और जर्मन ट्रेडिशन का भी था. ठीक है, क्रिश्चियनिटी जो है वो ऑफिशियल रिलीजन थी. ठीक है, रोमन एम्पायर की फ्रॉम द 4th सेंचुरी. बट रोमन एम्पायर यानी कि रोम्स जो है वो तो कोलैप्स हो गए, बट जो क्रिश्चियनिटी है यानी कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो अभी भी सर्वाइव कर रहा था. ठीक है, और ऐसे ऐसे वो करते करते वो सेंट्रल और जो नॉर्दर्न यूरोप था उधर फैल गया. ठीक है, चर्च भी मेजर लैंड होल्डर बन गए, यानी कि चर्च जो थे वो भी काफ़ी अपना लैंड वो ओन किया करते थे, उनके पास पॉलिटिकल पावर आ चुकी थी यूरोप में. ठीक है, सो जो थ्री ऑर्डर्स है यानी कि जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं तीन सोशल कैटेगरी. सो व्हाट आर सोशल कैटेगरी? सो मतलब सोशल, बट ये सोशल सोशल इज रिलेटेड टू सोसाइटी, राइट? तो सोसाइटी में क्या क्या कैटेगरीज है, क्या क्या बोल सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं बोल सकते, बट क्या क्या आप बोल सकते हो कि ऐसे डिवाइड करे हुए पार्ट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं आप बोल सकते हो. ठीक है, क्या क्या कैटेगरी है, इट इज़ वेरी लाइक ईजी. सो उसमें सबसे पहले जो हुआ करते थे, फर्स्ट देवर प्रीस्ट, क्रिश्चियन प्रीस्ट. ठीक है, कौन से प्रीस्ट? क्रिश्चियन प्रीस्ट. फिर आते हैं नोबल्स एंड देन पीजेंट्स. सो अब आप में से काफ़ी बच्चों को 9th क्लास की हिस्ट्री क्लिक कर गई होगी, बिकॉज हमने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था तो हमने वहाँ पे भी एक हायरार्की सिस्टम पढ़ा था, एक स्टेट सिस्टम पढ़ा था जहाँ पे सबसे ऊपर क्लर्जी यानी कि पीजेंट्स हुआ करते थे, उसके बाद नोबिलिटी, उसके बाद जो भी कॉमनर्स होने थे, कॉमनर्स होते थे यानी कि जो भी पीजेंट्स लोग हुआ करते थे, और इनके अलावा मतलब जो भी लोग रह जाते थे नोबल्स के अलावा. नोबल्स में कौन होते थे? नोबल्स में सारे राजा से राजा के परिवार के लोग हो गए, और जो नाइट्स हो गए. ठीक है, और प्रीस्ट में जो भी क्लर्जी को, क्लर्जी पे डिपेंडेंट थे भैया, मतलब जो भी क्लर्जी से रिलेटेड थे. सो इन दोनों के अलावा जो भी लोग बच जाते थे सोसाइटी में उन लोगों को पीजेंट्स बोला जाता था, और वो 3rd स्टेट में आया करते थे. ठीक है, सो ये चीज़ तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी फ्रेंच रिवोल्यूशन में. सो इस चैप्टर में भी हम इन्हीं चीज़ को पढ़ने वाले हैं, और हम देखने वाले हैं कि इन ये जो तीन ग्रुप्स हैं इनके रिलेशनशिप्स कैसे चेंज हुए. ठीक है, यूरोपियन हिस्ट्री में काफ़ी सेंचुरीज में. ठीक है, सो यहाँ पर हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े उन चैप्टर्स में हमने एक चीज़ नोटिस करी कि इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास सोर्स है. ठीक है, मतलब जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में ऑफकोर्स कोई ऐसा पर्सन तो नहीं था, राइट? सो ऐसे सोर्स है जिसकी वजह से हमें पता है कि हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हुई थी. ठीक है, सो वैसे ही अगर हम इस चैप्टर की बात करें, सो मतलब लास्ट के 100 साल में यानी कि लास्ट की जो सेंचुरी थी वहाँ की जो यूरोपियन हिस्ट्री है उस पर काफ़ी डिटेल वर्क करा गया था. ठीक है, मतलब इंडिविजुअल हर एक विलेजेस पे भी डिटेल वर्क किया गया था, डिटेल्ड स्टडी करी गई थी. ठीक है, डिटेल्ड
हाईलाइट किया जा रहा है वो डिटेल स्टडी करी गई थी, ठीक है। सो ये पॉसिबल इसीलिए था बिकॉज देखो जब मेडिवल पीरियड आया था, यानी कि जब जब काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी थी, उस टाइम पे लोगों ने चीज़ों को मतलब नोट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। लैंड ओनरशिप की चीज़ों को नोट किया जा रहा था, प्राइजेज, लीगल केसेस, इन सारी चीज़ों को जो है वो रिकॉर्ड किया जाने लग गया था उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल जो चर्च है वो बर्थ, मैरिजेस, डेथ, इन सब का जो है वो रिकॉर्ड रखना लग गए थे, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जिनकी वजह से आज हमारे पास रिसोर्सेज है और आज हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो एन इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म। सो द टर्म फ्यूडलिज्म, वट इज द, ये है टर्म फ्यूडलिज्म। सो ये हिस्टोरियंस इसलिए यूज करते हैं जब हमें स्पेशली इकोनॉमिकल, लीगल और पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप दिखाना होता है, जब जो कि यूरोप में एग्जिस्ट करता था कब, मेडिवल एरा में, ठीक है। मतलब मेडिवल एरा में जो भी इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते थे यूरोप में, डैट इज फ्यूडलिज्म, ठीक है। सो यहाँ पे आप काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मेडिवल एरा क्या होता है। सो मेडिवल एरा वो वाला टाइम होता है जब मतलब 15th सेंचुरी का जो टाइम था उसको मेडिवल एरा बोला जाता है, ठीक है। सो द वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम अ जर्मन वर्ड फ्यूड, जिसका मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। सो ये एक ऐसी सोसाइटी थी, ठीक है, जो डेवलप हुई मेडिवल फ्रांस में और बाद में इंग्लैंड में और सदर्न इटली में भी, ठीक है। सो जो इकोनॉमिक सेंस है फ्यूडलिज्म का, उसका मतलब है इट रेफर्स टू अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है। उस टाइम पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा था और इट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। सो यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे एक रिलेशनशिप था बिटवीन द लॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स। सो यहाँ पे लॉर्ड्स का मतलब है लैंड ओनर से, ठीक है, जो भी लैंड लॉर्ड हुआ करते थे, जिनके पास लैंड हुआ करती थी, ठीक है, और जो अमीर लोग हुआ करते थे बेसिकली। सो जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो इन लैंड ओनर्स को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे, जिसके बदले में ये जो लैंड ओनर्स थे ये इनको दिलासा दिलाते थे, एक गारंटी देते थे कि बदले में इनको जो है वो मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, जैसे अगर हम इंडिया में हैं, सो इंडिया में अगर आज आप चैन से सो सकते हो, सो इसका रीज़न ये है कि बॉर्डर्स पे आर्मी जो है वो तैनात है, राइट, वी आर हैविंग अ मिलिट्री प्रोटेक्शन। सो अब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के लिए काम कर रहे हो कि डेट वी आर वर्किंग फॉर यू, और वो सामने वाला बंदा ऐसा बोल रहा है कि ठीक है तू मेरे लिए काम कर, बदले में मैं तेरे को मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूँगा। नहीं, मिलिट्री प्रोटेक्शन इंडिया में हर एक पर्सन के लिए है बिकॉज ऑफ द आर्मी, द शोल्डर्स डेट आर इन आर बॉर्डर, राइट, वेरी राइट। सो इधर पर ऐसा कुछ नहीं था। सो इधर पर जो भी लैंड ओनर्स थे, जो अमीर लोग थे, वो उनको ये दिलासा दिलाते थे कि तुम मेरे पीजेंट में काम करो, बदले में हम तुम्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और पीजेंट्स के ऊपर काफ़ी जो है जुडिशियल कंट्रोल भी था, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें उन्होंने इनके ऊपर कंट्रोल करके रखा था, ठीक है। जो फ्यूडलिज्म है वो मतलब वो इकोनॉमिक से मतलब ज़्यादा ही बियॉन्ड चला गया, और जिसकी वजह से वो सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी कवर करने लग गया, ठीक है। फ्यूडलिज्म ठीक था जब तक वो सिर्फ इकोनॉमिक से रिलेटेड था, ठीक है, जब तक इकोनॉमी उसको कवर कर रही थी, बट ये फ्यूडलिज्म ऐसा बढ़ गया जिसकी वजह से लोग जो उनकी सोशल लाइफ स्टाइल है और उनकी पॉलिटिकल लाइफ स्टाइल है उस पर भी जो है वो इफेक्ट डालने लग गया था, ठीक है। सो इसके रूट्स ना, ऐसी बात नहीं है कि अचानक से फ्यूडलिज्म आ गया, ऐसी बात नहीं है। फ्यूडलिज्म का एक रूट, एक जो बीच था ना, वो रोमन एम्पायर के टाइम पे ही जो है वो बो दिया गया था, बिकॉज उस टाइम पे जो फ्रेंच किंग थे शार्लेमेगन, उन्होंने एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड मतलब फ्यूडलिज्म को उन्होंने एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड वे बताया। अगर हमें इतने बड़े यूरोप को मतलब अगर ऐसे इतना मतलब यूरोप का इतना बड़ा पार्ट है जो कि बाद में और ज़्यादा इमर्ज हुआ और होगा भी, हो सकता है 11th सेंचुरी में, सो उसको एस्टेब्लिश करना है तो फ्यूडलिज्म इज़ द बेस्ट वे, उन्होंने ऐसा बोला था, ठीक है। सो अब हम कंट्रीज डिसाइड करने पड़ने वाले हैं, कंट्रीज में क्या क्या था, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट वी हैव फ्रांस एंड इंग्लैंड, ठीक है। सो गॉल जो कि रोमन एम्पायर का एक प्रोविंस था, उसके दो एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन थे, ठीक है, कोस्ट लाइन थे, और माउंटेन रेंजेस थे, बड़ी लंबी लंबी रिवर्स थी, फॉरेस्ट थे, और लार्ज प्लांट रेक्स थे जो कि एग्रीकल्चर को काफ़ी अच्छे तरीके से सूट करते थे, ठीक है।
जो फ्रैंक्स थे वो एक जर्मनी ट्राइब थी जिनका नाम था फ्रैंक्स, ठीक है। उन्होंने अपना नाम गोल को दिया, ठीक है, दे गेव देयर नेम टू गोल। और उन्होंने बोला कि ये जो जगह है जहाँ पे फ्रैंक्स रहते हैं, सो दिस प्लेस इज नेम्ड फ्रैंक्स, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि फ्रैंक्स का नाम फ्रैंक्स क्यों पड़ा, बिकॉज देयर वॉज लाइक अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारी एक क्या है ये, दिस इज अ ट्राइब, ठीक है। फ्रैंक, व्हाट इज फ्रैंक? फ्रैंक इज अ ट्राइब। जब बहुत सारे फ्रैंक्स यहाँ पे आके रहने लगे, सो दिस जगह का नाम ही फ्रांस दे दिया गया, ठीक है। सिक्स सेंचुरी में ये रीजन जो है वो एक फ्रेंच किंग के अंडर आ गया, मतलब फ्रेंच किंग ने मतलब एक किंगडम बना दिया था जिन जो कि क्रिश्चियन थे, ठीक है। जो फ्रेंच थे उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक था चर्च के साथ, ठीक है। मतलब वो कोशिश करते रहते थे कि वो स्ट्रेंदन करते रहे इन चीज़ों को, ठीक है। मतलब देखो, जब 800 पॉप थे, ठीक है, वो किंग शार्लमैन को दे दिए गए इन द टाइटल ऑफ होली रोमन एम्परर। मतलब देखो क्या किया गया कि 800 पॉप्स इकट्ठे हुए और उन्होंने जो किंग शार्ल मैग्नस है उनको एक टाइटल दिया होली रोमन एम्परर का, ताकि उनका सपोर्ट उनको मिल जाए, ठीक है। अब हम तीन ऑर्डर यानी कि थ्री ऑर्डर्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। देखो, जो फ्रेंच प्रीस्ट थे ना, वो उन लोगों को ऐसा लगता था कि हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं ना उनको डिवाइड किया गया है तीन ऑर्डर्स में अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। मतलब वो जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सोसाइटी में तीन ऐसी चीज़ों में डिवाइड करा गया है, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे लोग थे जो बिशप थे, यानी कि जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो प्रे किया करते थे, कुछ ऐसे लोग थे जो बाकी का काम किया करते थे, ठीक है। सम वर हु यूज टू प्रे, यानी कि जो पूजा किया करते थे, जो लड़ाइयाँ लड़ करते थे, और अदर्स, ठीक है। ये जो सोसाइटी है इनको इन्होंने तीन मतलब ब्रॉडली ऐसे तीन सोसाइटी में इन्होंने डिवाइड कर दिया, दैट वो कलर्जी एंड द नोबिलिटी एंड पीजेंट्री, ठीक है। इन तीनों को ना हमने 9th क्लास में पढ़ा तो है, मतलब इतना डीपली नहीं पढ़ा, बट हमें ये तीनों कॉन्सेप्ट से हम लोग मतलब फेमिलियर है, हमें तीनों का पता है कि इन तीनों के अंडर क्या क्या आता है, बट स्टिल वी गोना डिस्कस इन अ लाइक अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, हम ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए आज, ठीक है। सबसे पहले हम सेकेंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लो, फर्स्ट ऑर्डर भी आगे आएगा। सबसे पहले हम सेकेंड ऑर्डर से शुरू कर रहे हैं। देखो, जो प्रीस्ट थे यानी कि जो पंडित लोग थे, जो भी पुरोहित थे चर्च के, उन्होंने ना खुद को फर्स्ट ऑर्डर पे रखा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। और जो नोबल्स थे उनको उन्होंने सेकंड ऑर्डर पे रखा, ठीक है। सब नोबेलिटी वो उनका मतलब देखो रियलिटी में तो जैसे जो सेंट्रल रोल था वो उन्हीं के पास था, ठीक है, बिकॉज लैंड जो है वो वही कंट्रोल किया करते थे, और वो इन लैंड से एक आउटकम भी जनरेट करते थे, एक प्रैक्टिस है जिसका नाम था वेसलज, ठीक है। फ्रांस का जो किंग था वो वेसलज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था और लिंक्ड था, वह ऐसी ही प्रैक्टिसेस जो जर्मनिक पीपल है वो भी किया करते थे, ठीक है। जो बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे, यानी कि जो नोबल्स हुआ करते थे, वो किंग के वेसल्स हुआ करते थे। मतलब जो किंग है वो डिपेंडेंट बोल सकते हैं, या फिर हाँ, किंग इनडायरेक्टली उन पर डिपेंडेंट थे, ठीक है। और जो पीजेंट्स थे वो लैंड ओनर्स के वेसल्स हुआ करते थे। मतलब जो जो कर्ज किंग के पास आएगा वो कहाँ से आएगा? वो लैंड ओनर्स देंगे, और लैंड ओनर्स जो कर्ज देंगे वो कहाँ से आएगा? वो पीजेंट से देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। जो नोबल मैन थे यानी कि जो भी नोबल्स थे, उन्होंने किंग को सीनियर बोला कि हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ आप हमारे सीनियर हैं, और उन्होंने एक म्यूचुअल प्रॉमिस बनाया, ठीक है। उन्होंने उन्होंने राजा जो राजा को लॉर्ड बोलना शुरू करा, सीनियर या लॉर्ड उन्होंने बोला बोलना शुरू करा, ठीक है। लॉर्ड बेसिकली एक एक वर्ड है जिसका बेसिकली मतलब होता है एक आदमी जो आपको ब्रेड प्रोवाइड करे, यानी कि दो वक्त का खाना जो प्रोवाइड आपको करे, दैट इज लॉर्ड, ठीक है। ये रिलेशनशिप में काफ़ी सारे रिचुअल्स थे, काफ़ी सारे वर्ड्स थे, यानी कि मतलब काफ़ी वादे ये लोग किया करते थे, और मतलब जो बाई मतलब ये काफ़ी सेरेमनी किया करते थे ये दिखाने के लिए कि हाँ हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इस सेरेमनी में जो वेसल्स थे उनको एक रिटर्न चार्टर मिला करता था, एक स्टाफ मिला करता था, ठीक है,
जिसमें उनको बताया जाता था कि ठीक है ये सिंबल है। वो क्या किया करते थे, जो राजा होते थे ना, वो मतलब ऐसे थोड़ा सा मिट्टी उनके हाथ में दे दिया करते थे, विच वॉज अ सिंबल की हाँ उनको जो है उनकी उनको एज अ लैंड उनको जो है उनके मास्टर्स ने जो है वो दी है। ठीक है, जो नोबल्स थे उनको प्रिविलेज स्टेटस था, ये लोग ये चीज़ें तो हमें पता है, उनके पास एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, और उनके पास कंट्रोल भी था। उन्होंने ट्रूप्स रेज करे जिनका नाम था, जिनको उन्होंने फ्यूडियल लेवीज बोला। ठीक है, ये जो लॉर्ड हुआ करते थे ये कोर्ट ऑफ जस्टिस पे, उन्होंने मतलब अपना कोर्ट बनाया और उन्होंने अपनी ही मनी भी बना दी थी। ठीक है, जो लॉर्ड थे मतलब हर एक पीपल का जो लॉर्ड थे वो एक लैंड पे सेटल हुआ करते थे। ठीक है, जहाँ के बहुत ही बड़े बड़े ट्रैक्ट्स हुआ करते थे, जिसपे ऑन डवेलिंग हुआ करती थी, और ये जो प्राइवेट फील्ड्स थी और जो पेस्टर्स थे, द होम्स इन द फील्ड वर टेनेंट पीजेंट्स। ठीक है, उनके टेनेंट जो पीजेंट्स हुआ करते थे उनके वो घर हुआ करते थे, और इन घर को मैनर बोला जाता था। ठीक है, मतलब जो भी ये नोबिलिटी के लोग हो गए और जो भी राजा वगैरह के लोग हो गए, ये ना एक बड़ा सा इतना बड़ा महल बनाया करते थे, मैनर जिनको बोला जाता था, जिसमें ये सारी फैमिलीज जो है वो साथ में बैठ के साथ में रहा करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। ठीक है, मैनोरियल इस्टेट, मैनर्स क्या होते हैं आपने अभी पढ़ा, सो मैनोरियल इस्टेट क्या होते हैं वो भी हम अभी पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो लॉर्ड है उनके अपने मैनर हाउस हुआ करते थे, है ना। वो इनके थ्रू मतलब वो विलेजेस को कंट्रोल किया करते थे, राइट। ऐसे जो लॉर्ड्स हुआ करते थे वो बहुत सारे विलेजेस को जो है कंट्रोल किया करते थे, जहाँ पे पीजेंट्स रहा करते थे। ठीक है, कुछ ऐसे मैनोरियल एस्टेट थे जिसमें डजन यानी कि 12-13 फैमिली ही आया करती थी, और कुछ तो ऐसे थे जिसमें 50 से 60 फैमिली या 50 से 60 जो है वो घर आया करते थे। ठीक है, वहाँ पर जो भी मतलब जो मिनरल इस्टेट हुआ करता था, वहाँ पे ना सारे डेली नीड की चीज़ें होती थी, जैसे फील्ड हो गए, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ये सारी चीज़ें जो हुआ करती थी। ठीक है, जो वुमेन्स थी वो भी काम किया करती थी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी काम किया करते थे। वुमेन्स क्या करती थी, वुमेन्स स्पिनिंग करती थी ताकि वो फैब्रिक बना पाए, और जो चिल्ड्रेन है वो वाइन प्रेस को और ज़्यादा लोड किया करते थे और उसमें काम किया करते थे, मतलब वो शराब बनाने का, वाइन बनाने का जो है वो काम किया करते थे। ठीक है, जो इस्टेट है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव वुड लैंड थी। ठीक है, जो फॉर जो लॉर्ड्स थे ना उनको हंटिंग करना भी बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था। ठीक है, उनकी उनकी इतनी पैस्चर लैंड थी कि वो अपने केटल्स और अपने हॉर्सेस को भी वहाँ पे ग्रेस किया करते थे। ठीक है, और वहाँ पर जो इस्टेट है, जो मिनरल इस्टेट है, वहाँ पे एक चर्च हुआ करता था और जो एक कासल हुआ करता था, कासल डिफेंस के, ठीक है, ताकि वो जो है फिर डिफेंस कर सके। 13th सेंचुरी में कुछ कासल और ज़्यादा बड़े कर दिए गए ताकि वहाँ पे नाइट्स की फैमिली भी आके रह सके। अभी तक जो कासल्स थे यानी कि अभी तक जो ये मिनरल एस्टेट थे वहाँ, वो सिर्फ किंग की फैमिली के लिए, सिर्फ किंग्स के लिए। ठीक है, बट बाद में उनको और ज़्यादा बड़ा कर दिया गया ताकि जो नाइट्स हैं यानी कि जो सिपाही है, जो सेनापति लोग हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं, वो भी वहाँ पर आके रह सके। ठीक है, ये सब कुछ कब हुआ, ये सब कुछ मिलिट्री फ्यूडल सिस्टम के अंदर हुआ। इनफैक्ट ये जो इंग्लिश कैसल्स थे ये अननोन थे नॉर्मल कंटेक्स्ट में भी, ये ना सेंटर बन चुके थे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पावर के अंडर द फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, अब ये जो मैनर्स थे ना, यहाँ पे सब कुछ नहीं हुआ करता था, जैसे नमक या फिर मिलस्टोन या मेटल वेयर, ये चीज़ें जो है ये बाहर से ही लानी पड़ती थी। ठीक है, ये जो लॉर्ड्स थे इनके जो मतलब इनको ना बहुत ही ऐसे मैं बोलूँगा आपको, जो एंशियंट एंशियंट तो क्या मतलब जो भी बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें उनको खरीदना पसंद था, जैसे फर्निशिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और जो ऑर्नामेंट्स जो कि लोकली प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे, बाहर से लाए जाते थे, तो वो अपना मतलब पैसे पैसे खर्च करना उनको मज़ा आता था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द नाइट्स। 19th सेंचुरी में ऐसे बहुत ही फ्रीक्वेंट लोकलिस्ट थे यूरोप में जिनकी लड़ाई हुई, मतलब लोकलाइज वॉर हुई, अपनी लोकल जो है लोग लड़ लिया करते थे आपस में। ठीक है, जो पीजेंट्स और जो सोल्जर्स थे वो सफिशियंट नहीं थे, बिकॉज उनकी जो नीड थी ना वो पूरी नहीं की जा रही थी। जो मतलब नए सेक्शन जो आए जैसे नाइट्स, अब उनको पता चला कि हाँ इन लोगों की जो है वो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये जो है लॉर्ड से लिंक्ड थे और बाद में जो है किंग से भी डायरेक्टली रिलेट हो गए थे। लॉर्ड्स जो है नाइट्स को एक जगह दे दिया करते थे जिनको ये फीफ बोलते थे,
और वो बोलते थे कि इनको प्रोटेक्ट की प्रॉमिस करो, तुम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो फीफ थी ये इनहेरिट हो सकती थी, ये एक्सटेंड हो की जा सकती थी, आई थिंक बिटवीन 1000 to 2000 acres या उससे ज़्यादा भी ये चली जाया करती थी। इसमें जो है नेट्स के लिए घर, उनकी फैमिली, चर्च, ये सब कुछ उधर हुआ करता था। उसके अलावा वहाँ पे वाटर मिल, वाइन प्रेस, ये सब कुछ भी वहाँ पे जो है अवेलेबल हो के कर दिया गया, ठीक है। जो फ्यूडल मैनर थे वहाँ पे, मतलब फीफ की जो भी लैंड थी वहाँ पे पीजेंस कल्टिवेट किया करते थे, ठीक है। सो अपने स्किल्स को प्रिपेयर, अपनी स्किल्स को मतलब वैसे ही मेंटेन करके रखने के लिए जो नाइट्स थे वो मतलब वहाँ पे डमीज वो बना देते थे। डमीज कैसी होती है, मतलब वैसे नकली का पुतला बना दिया करते थे और उसमें जो है वो प्रैक्टिस किया करते थे कि उनकी उनकी जो मतलब स्किल्स है ना वो ना छूटे, ठीक है। सो एक एक नाइट यानी कि एक सेनापति एक से ज़्यादा जो लैंड लॉर्ड है उसको सर्व कर सकता था, बट सबसे ज़्यादा लॉयल, अगर अगर ये तीन ही आपस में लड़ जाए, मतलब ये जिनको भी ये सर्व करते हैं आपस में लड़ जाए, तो जो उनका फोरमोस्ट था, जो सबसे पहले था, वो उनके लिए जो सबसे ज़्यादा लॉयल होने चाहिए, ठीक है, ऐसा जो है वो माना जाता था, ठीक है। फ्रांस में 12th century में जो मिनिस्ट्रीज थी वो मिनिस्ट्रीज नहीं सॉरी मिनिस्ट्रेल्स, सो ये मिनिस्ट्रेल्स क्या करते थे कि ये मतलब ट्रैवल किया करते थे मेनर से मेनर, मतलब अलग अलग मेनर्स में ये जाया करते थे। सो और ये स्टोरी सुनाया करते थे, मतलब गाने के थ्रू स्टोरी सुनाया करते थे, जहाँ पे वो हिस्टोरिकल और पार्टली इन्वेंटेड अपने राजाओं के बारे में, अपने नाइट्स के बारे में ये लोग बताया करते थे, ठीक है। ये ऐसा टाइम था जहाँ पे लोग बहुत ही कम लोग पढ़ लिख सकते थे, तो मैन्युस्क्रिप्ट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे, ठीक है। सो जो लोग थे वो बैल्कनी में आके पति पति, जो मैनर्स थे वो पति पति बालकनी में आकर जो है ये चीज़ों को सुना किया करते थे, और इनको मिनिस्टर्स गैलरी भी बोला जाता था। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर यानी कि क्लर्जी के ऊपर। देखो जो कैथोलिक चर्च हुआ करते थे ना, इनकी ना अपनी लैंड हुआ करती थी, ठीक है, जो कि इनको कौन देता था, ये लैंड इनको देते थे रूलर्स या फिर किंग, और ये जो है ये टैक्स भी लेवी कर सकते थे, यानी कि इन्होंने टैक्स भी लगाए हुए थे, ठीक है। सब ये देखो, ये देख के अब आपको पता तो चल गया होगा कि चर्च जो है वो खुद में इतनी पावरफुल इंस्टीट्यूशन थी कि वो किंग पर डिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है। सो किसी भी वेस्टर्न चर्च के जो हेड होते हैं उनको पॉप बोला जाता है, ठीक है, जो कि रोम में रहा करते थे। जो क्रिश्चियंस थे यूरोप के वो उनको ना बिशप्स और क्लैरिक्स गाइड किया करते थे। सो अब ये लोग क्या होते हैं, जैसे हम हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे संत महात्मा होते हैं जो लोगों को मतलब गाइड करते हैं, वैसे यहाँ पे बिशप्स और क्लैरिक्स हुआ करते हैं होते हैं, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट ऑर्डर कंस्टिट्यूट करा था, ठीक है। सो कुछ ऐसे विलेजेस थे जिनके अपने चर्च भी थे और कुछ ऐसे थे जो कि अब क्या किया जाता था ना कि ये लोग संडे को, जब भी संडे आता था तो ये काम कुम नहीं करते थे, और उनको ये लगता था कि संडे इसलिए ताकि वो मतलब प्रे करे उस टाइम पे, साथ में मिलके इकट्ठे करके प्रे कर सके, ठीक है। तो संडे को उस टाइम इन्होंने छुट्टी करना शुरू कर दी थी, ठीक है। सो अब देखो ना, हर कोई प्रीस्ट नहीं बन सकता था, मतलब हर कोई जो है वो क्लर्जी नहीं बन सकता था, इसके भी कुछ मतलब क्राइटेरिया बोल सकते हो। तो पहले सर्व्स, जो सर्व्स होते हैं, सर्व्स कौन होते हैं, यानी कि जो नौकर, जो भी स्लेव्स होते हैं, ये सबसे पहले प्रीस्ट नहीं बन सकते हैं। उसके बाद जो फिजिकली चैलेंज, यानी कि जो भी हैंडीकैप्ड लोग हैं वो भी प्रीस्ट नहीं बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है वुमेंस, वुमेंस भी जो प्रीस्ट है वो नहीं बन सकती हैं, ठीक है। सो बचे हुए कौन रह गए, रह गए मेंस, जो मेंस जो कि एक स्लेव्स नहीं और हैंडीकैप भी नहीं है, ठीक है। सो जो प्रीस्ट बन जाता था ना, एक बार वो प्रीस्ट बन जाता था तो वो शादी नहीं कर सकता था, द वन कुड नॉट मैरी, ठीक है। सो बिशप्स भी नोबिलिटी थे बट दे वर द रिलीजियस वंस, ठीक है। सो जो बिशप्स थे ना, उनकी बहुत ही बड़ी बड़ी इस्टेट्स में वो लोग रहा करते थे। अब यहाँ पे देखो, जो चर्च थे ना वो 1/10 शेयर लिया करते थे एज टैक्स, जिसको तिथ बोला जाता था, ठीक है, ओवर द ईयर 1/10। मतलब सपोज कि एक कोई भी ये पीजेंट है और वो टमाटर उगाता है, सपोज एक साल में उनका 200 kgs का जो है वो टमाटर उगा, ठीक है। सो वो ना 1/10 लेंगे, ठीक है, यानी कि 20 kg जो होगा वो 20 kg उनका एज ए टैक्स जाएगा, जिसको तिथ बोला जाता था। क्या बोला जाता था, तिथ, ठीक है। कुछ मनी उनके पास एंडोनमेंट्स के थ्रू आता था, एंडोनमेंट्स मतलब कुछ जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे वो उनको दान दिया करते थे, ठीक है।
चोर्च थे ना, वो जो भी कस्टम्स अपने करते थे, वो ना बेसिकली चुराए हुए लगते थे. चुराए हुए मतलब वो ना कॉपी किया करते थे फ्रॉम द फ्यूडल एलाइट. ठीक है, यानी कि जो फ्यूडलिज्म था, जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, वो वहाँ से ये चीज़ें मतलब कॉपी किया कर सकते थे, हम बोल सकते हैं. जैसे जो जो एक्ट होता है, मतलब जिसमें ये लोग नील होते हैं, मतलब घुटनों के बल आगे जो है वो प्रे किया करते हैं, अपने सर झुकाते हैं, हैंड क्लैप्स करते हैं, ये ना एक एक कॉपी था, एक आप बोल सकते मतलब कॉपी किया गया था उन्होंने. वॉज एन एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सेम. जब एक किंग एक नाइट को अपना मतलब अपने मतलब जब वो किंग ऐसा बोलता है एक किसी भी नाइट को कि हाँ आज से तुम मेरे स्पेशल बंदे हो, एंड और वो जो नाइट है वो सबसे ज़्यादा लॉयल उस किंग के लिए होता है. सो उसमें क्या किया जाता है कि जो नाइट होता है वो घुटनों के बल नीचे बैठता है, और जो किंग होता है वो उनके कंधों पे जो है वो अपना तलवार ऐसे रखता है. ठीक है, एज अ सिंबल की हाँ ठीक है. सो वो ऐसे बोल सकती हूँ यहाँ से कॉपी किया गया था. और ऐसी नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब ऐसे कस्टम और सिंबल से जो कि ऐसा लगता था कि जो इन्होंने कॉपी करे हुए. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मॉन्क की तरफ. देखो जो प्रीस्ट होते थे वो ना चर्च वगैरह में रखते थे, बट कुछ ऐसे लोग थे जो कि बहुत ही ज़्यादा डीपली रिलीजियस थे, और वो आइसोलेटेड लाइफ रहना चाहते थे. मतलब वो ऐसे लोगों के बीच में नहीं, अलग से रहते थे. आप इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इंडिया में भी अगर हम बुद्धिज़्म में देखें या हिंदुज़म में देखा, सो लोग जो है वो अलग हो जाते हैं, आइसोलेट लाइफ जीते हैं, राइट. जैसे काफ़ी ऐसे बड़े बड़े साधु संत हैं जो अपनी फैमिली को छोड़ के आगे जाके जो आइसोलेटेड लाइफ उन्होंने जी. ठीक है, वैसे यहाँ पे भी था. सो ये एक बिल्डिंग में रहा करते थे जिनको एबीस या फिर मोनेस्ट्रीज बोला जाता था. ठीक है, जो कि ह्यूमन हैबिटेशन यानी कि ह्यूमन हैबिटेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर था. ठीक है, सो इसमें से जो दो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन मोनेस्ट्री है जो कि एस्टेब्लिश किए थे, एक सेंट बेनेडिक्ट ने कहाँ पर, इटली में 529 में, और एक क्लूनी ने कहाँ पर, बर्गुंडी में इन 910. ठीक है, जो मॉन्क्स है वो ओथ लेते थे, वो वोस लेते थे कि वो अपनी आगे की जो पूरी जिंदगी है इन्हीं मोनेस्ट्रीज में बिताएंगे. ठीक है, वो भी सिर्फ प्रेयर करते हुए, स्टडी करते हुए, या मैनुअल लेबर की तरह जैसे कि फार्मिंग वगैरह वो करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर मैन और वुमेन दोनों ही मॉन्क्स बन सकते थे. जो मैन थे वो मॉन्क्स बनते थे, और वुमेन जो है वो नंस बना करती थी. ठीक है, सो बट ये जो मोनेस्ट्रीज थी ना, ये सिंगल सेक्स कम्युनिटीज होती थी. मतलब एक ऐसी मोनेस्ट्री होगी जहाँ पे सिर्फ बॉयज़ ही होंगे, मतलब जो मॉन्क्स ही होंगे, और एक ऐसी मोनेस्ट्री थी जहाँ पे नंस ही होंगी. ठीक है, सो इन प्रीस्ट की तरह ये भी शादी नहीं कर सकते थे. ठीक है, सो इनकी जो कम्युनिटी थी वो 10 से 20 मैन या वुमेन की हुआ करती थी. ठीक है, बट धीरे 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 ये मोनेस्ट्री जो है ये बड़ी होती गई, और 100 100 100 लोग जो है इसमें आने लग गए. सो इन्हीं मोनेस्ट्रीज के आसपास कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह जो है उस टाइम पे बनने शुरू हो गए थे. और ये जो मॉन्क्स और नंस थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन करा सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए. उनमें से जो एक बहुत ही मेजर है, डैट इज़ आर्ट्स के, उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने वो करा. ठीक है, अबेस हिल्डेगार्ड है. ठीक है, वो एक काफ़ी गिफ्टेड म्यूजिशियन थे, और वो चाह रहे थे कि जब चर्च में जब ये प्रेयर वगैरह गाते हैं, सो ये इसमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट जो है वो किया करते थे. सो यहाँ पे कुछ मॉन्क्स का ऐसे ग्रुप था जिनको फेरियार्स बोला जाता था. क्यों बोला जाता था इनको फेरियार? बिकॉज ये ऐसे लोग भी थे जो मनेस्ट्री में रहते थे, ऐसे लोग थे जो जगह से जगह जाते थे और लोगों को मतलब अपना नॉलेज देते थे. ठीक है, और जो चैरिटी के बेसिस पे ये रहा करते थे. ठीक है, सो यहाँ पे देखो जो एक मोनेस्ट्री है जो मैंने अभी आपको बताई थी, सेंट मिकल की. ठीक है, सो यहाँ पे देखो कितना सुंदर है. ठीक है, 14th सेंचुरी में इतनी अनसर्टेनिटी आई, जिसमें जो मोनेस्टिसिज्म है सॉरी, उसकी वैल्यू और पर्पस में थोड़ा मतलब चेंज हमें देखने को मिला. ठीक है, इंग्लैंड में जो लैंगलैंड्स पॉइंट था वो ना बिल्कुल कंट्रास्ट कर रहा था इन लोगों को, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो इनको मतलब मानते नहीं थे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो इनको कॉमिक की तरह, कार्टून की तरह शो करते थे. वैसी एक बुक है जिसका नाम है कैंटरबरी टेल्स. ठीक है, सो ठीक है, द चर्च एंड सोसाइटी. देखो यूरोप, जब यूरोपियंस क्रिश्चियन बने, सो
वो क्रिश्चियन तो बन गए बट उन्होंने अपना जो ओल्ड बिलीफ था, जैसे कि उनकी जो मैजिक जो वो किया करते थे और जो उनका फोक ट्रेडिशन था वो उन्होंने नहीं छोड़ा, वो उन्होंने कहीं ना कहीं रखा अपने अंदर। ठीक है, जो क्रिसमस है और ईस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट बन गई। ठीक है, सो वो 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को मनाते थे एज द बर्थ ऑफ जीजस क्राइस्ट। ठीक है, और सो दिस वॉज ऑल्सो रिप्लेसेबल। ठीक है, ये रिप्लेस किया हुआ था किस चीज़ से, प्री रोमन फेस्टिवल से इनको रिप्लेस करा गया था। ठीक है, बिकॉज इनका ना कोई फिक्स डेट नहीं था, सो इन्होंने प्री जो भी रोमन फेस्टिवल थे उनसे इनको रिप्लेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो ईस्टर है उसको मार्क किया जाता है एज द क्रूकिफिकेशन ऑफ क्रिस्ट, सो एंड हिज रेजिंग फ्रॉम हिज डेथ। मतलब जो ये आपने ना जब भी जीसस क्रिस्ट की फोटो देखी होगी या कुछ भी देखा होगा, सो आपने देखा होगा कि वो ऐसे ऐसे क्रॉस एक वुडन लॉग में या स्ट्रक्चर में उनको मतलब हैंग किया गया है, राइट। सो ऐसे आप जो है हम हमेशा उनको देखते हैं। सो यही जो प्रोसेस है इसी को बोला जाता है क्यूरिफिकेशन। ठीक है, सो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो है जब उनकी डेथ कर दी गई थी, यानी कि उनको उनकी जो है क्रूसिफिकेशन उनके साथ कर दिया गया था, और उसके बाद वो अपनी बर्थ जन्म के बाद उनका फिर से जन्म हुआ, इसलिए उसको जो है ईस्टर भी वो ये लोग जो है मनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया डेट फिक्स नहीं थी, बिकॉज ये ज़्यादातर ये जो फेस्टिवल है ना ये स्प्रिंग के आने पे ये लोग मनाया करते थे, बट कभी कभी ऐसा होता था कि विंटर्स काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते थे या स्प्रिंग्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाया करती थी। ठीक है, सो उन्होंने मतलब रिप्लेस करना इस चीज़ को शुरू कर दिया था। ठीक है, जब क्रिश्चियनिटी आई तब उन्होंने ये सब कुछ करना मतलब शुरू करा। ठीक है, सो उन्होंने विलेज बनाया जिसको वो बोलते थे पारिश। ठीक है, सो इधर ये जो एरिया था ना ये प्रीस्ट के अंडर हुआ करता था। सो जो ओवरवर्क पीजेंट्स थे ना उन्होंने ना होली डेज बनाने शुरू करे, होली डेज। सो इस होली डेज में ये क्या किया करते थे कि ये काम छोड़कर सिर्फ प्रेयर के लिए ये होली डेज जो है ये बनाए गए थे। HOLYDAYZ, सॉरी S। सो होली का मतलब क्या होता है हम लोगों को पता है, जस्ट भगवान से रिलेटेड या प्रेयर से रिलेटेड, जिसको धीरे धीरे आते आते होली डे बना दिया गया, जो कि आज हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि आज होली डे है या छुट्टी है, हम उस वे में इसको यूज़ कर लेते हैं, राइट। सो ये उस टाइम पे जो होली डेज है वो इसलिए बनाए गए थे ताकि लोग जो प्रेयर करें बट नहीं, लोग जो अपनी फैमिली के साथ फन और फीस्टिंग करते करते ये टाइम निकाल दिया करते थे। ठीक है, जो पिलग्रीमेज है ना वो क्रिश्चियन लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। पिलग्रीमेज जैसे कि अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो वैष्णो देवी यात्रा होती है, चार धाम यात्रा होती है, इसमें क्या होता है, इसमें आप बहुत ही लंबी लंबी यात्राएं करते हो और मंदिरों में जाते हो मत्था टेकने, वैसे ही यहाँ पे हुआ करता था कि ये पिलग्रीमेज लंबी लंबी जर्नीज किया करते थे और बड़े बड़े चर्चेज में जो है वो जाया करते थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थर्ड ऑर्डर के बारे में, यानी कि पीजेंट्स फ्री एंड अनफ्री। सो ये जो कल्टिवेटर्स थे ना लास्ट थर्ड ऑर्डर में, ये भी दो टाइप के थे, एक तो फ्री पीजेंट्स और दूसरे थे सर्व्स। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो फ्री पीजेंट्स थे ना वो मतलब फार्मर्स थे, उनकी अपनी लैंड थी, सो वो बस मिलिट्री सर्विस के लिए जो है कभी कभी उनको बुला दिया जाता था तो वो मिलिट्री सर्विस के लिए चले जाया करते थे। ठीक है, जो पीजेंट फैमिली है उनका ना सर्टेन डेज हुआ करता था काम करने का, बट ये क्या किया करते थे ना, ये जो लॉट थे उनके स्टेट में भी कुछ दिन ऐसे निकाल के काम किया करते थे, जैसे कि हफ्ते में 6 दिन होते तो उन्होंने 7 दिन होते सॉरी सो उन्होंने 2 दिन ऐसे निकाले कि वो जो है उसमें नोबल्स के यहाँ जाके जो है वो काम कर लिया करेंगे। ठीक है, सो ये उनका सिस्टम हुआ करता था। बदले में उनको जो है रेंट मिला करता था जिसको लेबर रेंट बोला जाता है, जो कि डायरेक्टली मतलब लॉर्ड में चला जाया करता था। ठीक है, उसके अलावा ये लोग जो है वो कुछ ऐसे बेसिक काम किया करते थे जो कि अनपेड थे, जिनके बदले में उनको पैसा नहीं मिलता था, जैसे गड्ढे खोद दिए और फायरवुड इकट्ठी कर दी, फेंस वगैरह बना दिए, रोड बना दी, बिल्डिंग बना दी। ठीक है, उसके अलावा जैसे वुमेन और बच्चे थे, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे वुमेन धागा बुनती थी और जो कैंडल्स वगैरह बनाती थी। ठीक है, और जो बच्चे थे वो छोटे छोटे मतलब इनको काम किया करता था वाइन की, उसमें ये लोग जो है वो काम किया करते थे, राइट। सो ये चीज़ हमने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। और एक डायरेक्ट टैक्स जो है ये लोग इकट्ठा करते थे, जो कि नोबल्स इकट्ठा करते थे, उनको बोला जाता था टेल। ठीक है, और ये समटाइम्स पीजेंट्स पे ही इम्पोज किया जाता था। ठीक है, किंग का कभी कभी जो किंग है वो समटाइम्स सीधा ही पीजेंट्स को बोल दिया करते थे। ठीक है, जो सर्व्स है वो यानी कि जो स्लेव्स थे उनकी अपनी लैंड नहीं हुआ करती थी, वो लैंडलॉर्ड्स के वहाँ पे जाके काम किया करते थे। ठीक है, सो यहाँ पर
उनको मतलब लैंगून की रोड में जाके काम किया करना पड़ता था, और बदले में उनको ना बहुत ही कम वेजेस या वेजेस मिलती ही नहीं थे, ठीक है। और उनको जो कुछ भी करना होता था वो लॉर्ड की परमिशन से ही करना था। अगर सर्व्स को मिल से बाहर भी आना है तो उनको पहले इनसे पूछना पड़ता था कि हम बाहर जाए। अगर उनको ब्रेड भी बनाना है, वाइन वगैरह बनानी है, तो वो सब कुछ उन्हीं की जो है वो डिवाइसेस से करते थे, नोबल्स की, ठीक है। और इवन अगर सर्व को शादी भी करनी है किसी के साथ, तो वो पहले लॉर्ड से पूछ लेगा कि हाँ ये लड़की है या ये लड़का है, मेरे को उससे शादी करनी है, सो प्लीज़ करने दो। उसके बदले में भी जो है वो उनसे फ़ी चार्ज किया करते थे, ठीक है। सो फ्रांस और जर्मनी हमने डिस्कस कर लिया है, सो अब हम आते हैं इंग्लैंड की तरफ। देखो, इंग्लैंड में फ्यूडलिज्म फैला 11th सेंचुरी से, ठीक है। सो जो एंगल्स थे और जो सैक्सन्स थे वो आए मतलब सेंट्रल यूरोप से, और वो इंग्लैंड में आके उन्होंने वो लोग सेटल हो गए कब, 6th सेंचुरी में। सो कंट्री का नाम इंग्लैंड इसीलिए पड़ा बिकॉज काफ़ी ऐसे जो एंग्ले लैंड थी, ठीक है, मतलब एंग्ले लैंड जहाँ पे एंगल्स रहा करते थे 11th सेंचुरी में, ठीक है। सो बिकॉज यहाँ पे एंग्ले लैंड ये बन गई, सो ये ऐसे करते करते इंग्लैंड ये लोग बन गई, ठीक है। सो 11th सेंचुरी में जो विलियम थे द ड्यूक ऑफ नोमाडी, वो इंग्लिश चैनल उन्होंने क्रॉस करा आर्मी के साथ, और सैक्सन किंग्स को उन्होंने हराया इंग्लैंड के। उस टाइम पे फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो मतलब लड़ाइयाँ जो है उस टाइम पे फ्रांस और इंग्लैंड के साथ जो है वो शुरू हो गई, ठीक है। सो विलियम वन थे, उन्होंने ना एक लैंड मैप बनाया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको सेक्शन में, ठीक है। जहाँ पे 180 नॉर्मल नोबल जो है नॉर्मल नोबल्स थे वो माइग्रेट उनके साथ कर गए, और जो लॉर्ड्स थे वो चीफ टेनेंट्स बन गए किसके, किंग के, ठीक है। सो अब किंग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो ये लोग जो है उनको मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो ये जो है किंग एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। सो कुछ ऐसे नाइट्स है जो किंग को सपोर्ट कर रहे थे। सुन जल्दी क्या हुआ कि जो राजा है उन्होंने इन लोगों को ये गिफ्ट देने शुरू कर दिए, ताकि लैंड गिफ्ट करनी शुरू कर दी, ताकि मतलब एक श्योर हो जाए कि वो मतलब नाइट्स हैं इनके पास। बट अगर प्राइवेट वॉरफेयर है किसी भी किंग की, प्राइवेट वॉरफेयर के लिए वो इन नाइट्स को यूज़ नहीं कर सकता था, ठीक है। सो जो एंग्लो सैक्सन पीजेंट्स है वो टेनेंट्स बन गए, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लैंड ओनर्स भी, मतलब लैंड ओनर्स के टेनेंट्स बन गए। अब ऐसे क्या फैक्टर्स थे जो कि सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन को जिन्होंने इतने मतलब इफेक्ट डाला, ठीक है, अफेक्ट जिसकी वजह से वो हुई, ठीक है। देखो, हमने ये देखा कि जो पहले दो ऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनका जो सोशल सिस्टम है वो स्टेबल है और अनचेंजेबल है, ठीक है। बट ऐसे सेवरल प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से सिस्टम में चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि चेंज इन एनवायरनमेंट, है ना, कि एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, और जैसे कि इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, जो लैंड यूज़ है उन चीज़ों में चेंज आ रहा था, ठीक है। सो उसकी वजह से जो है सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन में भी जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा था। सो ये हम एग्जामिन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है द एनवायरनमेंट। देखो, 5th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक यूरोप जो है ना वो किस चीज़ से कवर था, फॉरेस्ट से, ठीक है। सो जो लैंड अवेलेबल थी एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। सो पीजेंट्स काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे उनकी जो कंडीशन है उससे। सो उन्होंने उस टाइम पे वो क्या करते थे, वो अपने घर से भाग के उन्होंने ना फॉरेस्ट में छुपना शुरू कर दिया, ठीक है। जो उस टाइम पे यूरोप में बहुत ही ख़तरनाक ठंडी पड़ी, ठीक है, जिसकी वजह से जैसे ही ठंडी पड़ी तो ऑफकोर्स क्रॉप वगैरह सब कुछ बर्बाद हो गया, और एग्रीकल्चर का जो यील्ड है वो भी कम हो गई, ठीक है। 11th सेंचुरी में यूरोप में फिर से थोड़ी गर्मी आई और जो एवरेज टेम्परेचर है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में एक अच्छा इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। जो पीजेंट्स है उनके पास लॉन्गर ग्रोइंग सीजन आ गया, और जो सॉइल थी वो मतलब जम नहीं रही थी, सो जो सोइल है उसमें जो है अच्छे से प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज़ उगाई जा सकती थी उस टाइम पे, और जो सोइल है उसको इजीली प्लो भी किया जा सकता था, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये नोट करा कि उस टाइम पे जो फॉरेस्ट लाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, ठीक है। सो लैंड यूज़, इनिशियली जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव थी, ठीक है, मतलब लोग अपने वो पुराने ज़माने की मतलब वुडन प्लो वगैरह को यूज़ कर रहे थे, ऑक्सन वगैरह को यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से ऑफकोर्स जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे हो रही थी और अच्छी बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी, ठीक है। सो एग्रीकल्चर उस टाइम पर लेबर इंटेंसिव था, ठीक है, मतलब लोग ज़्यादा लोग उस टाइम पर चाहिए पड़ते थे, ठीक है। जो फील्ड है उनको हाथों से ही मतलब खोदा जाता था, और 4 सालों में एक बार ऐसा होता था कि काफ़ी मैनुअल लेबर्स को रिक्वायर किया जाता था, और सारा ये काम जो है मिलके किया जाता था, ठीक है।
इतना इनएफिशिएंट ये क्रॉप रोटेशन का मेथड यूज़ किया करते थे, मतलब जो लैंड है उनको, लैंड ऐसी लैंड ही बनानी चाहिए थी, ये जो लैंड है इसको डिवाइड कर दिया जाता था टू पार्ट्स में। सो जब ऑटम का टाइम आता था या विंटर का टाइम आता था तो उस टाइम पे एक जगह को बनाया जाता था और एक जगह को फैलो छोड़ दिया जाता था, और बाद में जब क्लाइमेट चेंज होता था उस टाइम पे एक वाले लैंड को फैलो छोड़ के एक वाले लैंड में चीज़ें उगाई जाती थी। ठीक है, सो ये क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन था जिसकी वजह से लोगों में ना बहुत ही डिवास्टेटिंग फेमाइन आई, और मतलब गरीबों की लाइफ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई थी उस टाइम पे। ठीक है, सिंस कोई भी पॉसिबल इंक्रीज नहीं था लैंड की आउटपुट में, जो बिजनेस थे वो ऑफकोर्स अब जो मिनरल स्टेट है वहीं पे जाके उनको कल्टीवेशन करना पड़ रहा था। ठीक है, अब वो ना ओपनली नहीं प्रोटेस्ट कर पा रहे थे बिकॉज उनका जो भी प्रोटेस्ट था ना उनको रोक दिया जाता था, उसको दबा दिया जाता था बिकॉज जो नोबल्स है ऑफकोर्स उनके पास ज़्यादा पावर्स थी। ठीक है, सो अब ये क्या किया करते थे ये करने के लिए, वो ना कभी कभी इनकी लैंड में जाते ही नहीं थे, अपनी ही लैंड में काम करते रहा करते थे, या कभी कभी अगर वो जाए भी, ठीक है, और तो जो उनका आउटकम आता था ना वो थोड़ा सा अपने पास छुपा लेते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने करना शुरू कर दी। ठीक है, और जो भी परफॉर्मिंग अनपेड एक्स्ट्रा सर्विसेज इनसे करवाई जाती थी वो भी इन्होंने करने से इनकार कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा था। ठीक है, अब नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, देखो जो 11th सेंचुरी आते आते काफ़ी ना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है उसके एविडेंस हम लोगों को मिले हैं। ठीक है, बेसिक वुडन प्लग से हटकर लोगों ने अब जो है आयरन टिप प्लग का यूज़ करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स जो चीज़ है वो फास्ट हो गई थी। ठीक है, अब जैसे पहले जो एनिमल हार्नेसिंग थी ना वो ना उनके नेक में बांधी जाती थी, मतलब उनके गले में बांधी जाती थी, तो वो अब उन्होंने हटा के उनके कंधों में बांधना शुरू कर दिया ताकि जो एनिमल है वो ज़्यादा पावर लगा सके। वैसे ही हॉर्सेस के साथ भी इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऐसे उन्होंने करे, आयरन हॉर्स शू जैसी चीज़ें उन्होंने बनाई। ठीक है, और विंड और वाटर एनर्जी का भी इन्होंने यूज़ करना शुरू करा एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, और उन्होंने विंड पावर मिल्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराए यूरोप में ताकि कॉर्न का मिलिंग और ग्रेप्स प्रेसिंग जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, लैंड यूज़ में भी काफ़ी चेंजेस आए, जैसे अभी हमने पढ़ा अभी पिछले पैराग्राफ में कि इतना अनसफिशेंट इनकी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से फेमाइन आ गया था। राइट, सो ये जो सिस्टम था ये बहुत ही ज़्यादा बुरा था। सो अब इन्होंने दो के जगह तीन होल्डिंग में इनको बांटा, और एक टाइम पे एक जगह को खुली छोड़ के दूसरी दो जगह थी उनको, मतलब जैसे पहले एक सीजन एक लंबा लंबा सीजन जाता था 2 सीजन का, बट अभी उन्होंने जब 3 सीजन की बेसिस पे इसको चीज़ों को करना शुरू करा तो ऑफकोर्स जो है ज़्यादा चीज़ जो है उस टाइम पे उग रही थी। ठीक है, जैसे पीज बीन्स लेंटिल्स ये सारी चीज़ें, फिर ओट्स बार्ली हॉर्सेस के लिए ये सारी चीज़ें जो इन्होंने उस टाइम पे बनानी शुरू करी। ठीक है, सो मतलब अब जो फूड प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था हर एक लैंड यूनिट से। ठीक है, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज थी जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए होते थे, बट पीजेंट्स के पास ना इतने ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो वाटर मिल्स और विंड मिल्स मतलब इनिशिएट कर सके। सो उन्होंने 3 फील्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स को बनाना यूज़ करना शुरू करा, जो कि हमने अभी वो किया। ठीक है, जिसके लिए एनिमल्स है वही काम हो सकते थे, हॉर्स शू वगैरह ही काफ़ी मतलब रिक्वायर हुआ करते थे उसके लिए, और वो जो है चीपली बन जाते थे और रिपेयर भी कर दिए जाते थे। ठीक है, सो 11th सेंचुरी में जो पर्सनल बॉन्ड है वो फ्यूडलिज्म के बेसिस पे मतलब कहीं कमज़ोर हो रहा था, कहीं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और ज़्यादा मनी बेस्ड हो रही थी उस टाइम पे। ठीक है, मनी का यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से प्राइस इन्फ्लुएंस हो रहे थे, और पुअर हार्वेस्ट के टाइम पे जो चीज़ है वो और ही ज़्यादा महंगी हो जाया कर रही थी। ठीक है, इंग्लैंड में फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर प्राइसेस है वो डबल हो गए 12th सेंचुरी के टाइम पे और 1320s के टाइम पे। अपना फोर्थ ऑर्डर क्या था, हमने तो सिर्फ 3 ही ऑर्डर डिस्कस करे थे। ठीक है, चैप्टर का नाम भी यही था 3 ऑर्डर। सो फोर्थ ऑर्डर क्या था, यहाँ पर ना अब आते हैं नए टाउन्स और टाउन्स पीपल। देखो एग्रीकल्चर जो है वो मतलब इन 3 एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रोथ की वजह से रिलेटेड हो रहा था, डेट वॉज पॉपुलेशन ट्रेड एंड टाउन्स। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी 13th सेंचुरी के टाइम टाइम पे, जो एवरेज यूरोप है वो मतलब 10 साल तक ज़्यादा जी पा रहा था बिकॉज ऑफ नई नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही थी। ठीक है, जो वुमेन और गर्ल है बट उनके अभी भी कुछ जैसे चेंज नहीं आया था, मतलब अपना फूड जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोवाइड हो रहा था बिकॉज ऑफ न्यू दिस टेक्नोलॉजीज। ठीक है,
और मैनपर का जो टाउन है वो बहुत ही ज़्यादा डिजर्टेड हो गया, और ठीक है, बट 11th सेंचुरी में जो एग्रीकल्चर है वो फिर से इंक्रीज हो गया और हायर लेवल के सस्टेनेबिलिटी आ गई पॉपुलेशन में भी, और टाउन जो है वो भी ग्रो होने लग गए थे, जिसकी वजह से पीरियडिक फेयर्स और जो स्मॉल मार्केट सेंटर्स है वो भी ग्रेजुअली डेवलप होने लग गए और टाउन लाइक फीचर्स उसमें आने को देखने को मिल गए। जैसे टाउन स्क्वेयर होते हैं ना, चौक जिनको हम बोलते हैं, जहाँ पे चार ऐसे रास्ते जा रहे होते हैं, ठीक है, चर्च, फिर मर्चेंट्स की बिल्डिंग के लिए, शॉप्स, होम, सभी के लिए जो वो रोड जो अब डायरेक्ट जाने लग गई थी, ठीक है। सो टाउन्स में सर्विसेज के साथ साथ अब जो लोग हैं वो टैक्स भी पे कर रहे थे लोड को, जिनकी उनकी लैंड थी, ठीक है। सो टाउन जो है वहाँ पे मतलब वर्कर्स के लिए वो काफ़ी अच्छी जगह बन गई, क्योंकि अब वो लॉर्ड कंट्रोल से फ्री हो गए थे और वो खुद अब जो है वहाँ पे जाके काम करके पैसे कमा सकते थे, ठीक है। जो सर्व्स थे वहाँ पे फ्रीली काम कर सकते थे पूरे साल, और वो वन डे मतलब अपने लॉर्ड को डिस्कवर करे बिना भी, मतलब अब वो फ्री मैन हो चुके थे, ठीक है। जो शॉपकीपर और जो मर्चेंट्स थे वो भी बढ़ गए, बिकॉज टाउन बढ़ गए थे तो शॉपकीपर जैसे लोग हैं वो बन गए, बढ़ गए, और इनको जो है वो फोर्थ ऑर्डर में इनको ऐसा मतलब बोला कि हाँ फोर्थ ऑर्डर इन लोगों ने बना दिया था कि इन्होंने मर्चेंट्स वगैरह ने, ठीक है। सो उस टाइम पे क्राफ्ट इंडस्ट्री ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज की गई और बनी भी, ठीक है। काफ़ी बड़े बड़े सेरेमोनियल फंक्शंस होने लग गए वहीं पर, मार्केट पे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लग गई, जो गार्ड्स थे वो पेट्रोल करने लग गए टाउन वॉल्स में, और जो म्यूजिशियन थे वो फीस्ट वगैरह बुलाने लग गए, मतलब पूरा टाउन वाला जब सिचुएशन यहाँ पे बन गई थी, ठीक है। 11th सेंचुरी में वेस्ट एशिया से जो है वो ट्रेड रूट्स और ज़्यादा बने, डेवलप होने लग गए, ठीक है। काफ़ी मर्चेंट ऐसे थे जो कि साउथ से नॉर्थ में आए सी के थ्रू, ठीक है, और जो कि फर्स और हंटिंग हॉकर्स क्लोथ्स वगैरह का जो है वो ट्रेड किया करते थे, ठीक है। फ्रांस में 12th सेंचुरी में जो कॉमर्स है और क्राफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रो होने लगा, ठीक है। मैनर टू मैनर जो है चीज़ें वो बिकनी शुरू हो गई थी, ठीक है। लोग एक जगह पे सेटल हो गए और जो गुड वो प्रोड्यूस कर रहे थे वो बहुत ही इजीली जो है ट्रेड हो जा रहा था, ठीक है। सो ट्रेड एक्सपेंड होता रहा और जो मर्चेंट्स है वो ज़्यादा रिच और पावरफुल होते रहे, ठीक है। कैथेड्रल टाउन, सो आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। देखो एक जो तरीका था जिसमें रिच मर्चेंट्स अपने मनी स्पेंड किया करते थे, डैट वॉज चर्चेस, मतलब चर्चेस में वो डोनेशन दिया करते थे, ठीक है। 12th सेंचुरी में लार्ज चर्चेस जिनको कैथेड्रल्स बोला जाता था वो बनने शुरू हो गए कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है, जो कि मोनेस्ट्री से ही बिलोंग करती थी बट ये थोड़े अलग हुआ करते थे, ठीक है। सो ये अपने लेबर इनको कंस्ट्रक्ट करते थे अपने मटीरियल और अपने मनी से, ठीक है। सो ये जो एरिया आता था कैथेड्रल के अंडर ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेट होने लग गया था, ठीक है, और ये कंप्लीट हुआ। सो ये ना सेंटर बन गया पिलग्रिमेज का, ठीक है। पिलग्रिमेज क्या होता है अभी हमने पढ़ा। सो स्मॉल टाउन इनके आसपास जो है वो बनने शुरू हो गए थे। अब इनको ना इतने प्यारे तरीके से जो इसको बनाया गया था कि अगर कोई इसके बीचों बीच खड़े होकर गाना गाए या कोई भी स्पीच दे दो तो वो पूरे के पूरे जो कैथेड्रल है वहाँ पे फैल जाती सी चीज़ें, ठीक है। जो बेल्स है और उनकी जो ग्लास है ना, बेसिकली उनकी विंडो में जो ग्लास यूज़ किया जाता था ना वो स्टेन ग्लास होता था, मतलब जब भी उसमें सनलाइट पड़ती थी ना तो जो छाँव आती थी यानी कि जो शेडो आती थी वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इतनी प्यारी प्यारी जो है वो मतलब सुंदर चीज़ें, इतना अच्छा जो है वो पिक्चर्स वगैरह बनाती थी, ऐसी स्टोरीज वो नीचे दिखाती थी जो कि बाइबल्स में हुआ करती थी, ठीक है, ताकि जो इलिटरेट पीपल है वो भी पढ़ सके उन सारी चीज़ों को, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक हमारे पास फोटो है उसी सेम चीज़ की दैट वी वर डिस्कसिंग। अब देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ मतलब ऐसा हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। लोग सिटीज बन रही है, लोग अपने मजे कर रहे हैं, बट फिर आता है क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी, जब यूरोप का इकोनॉमिक एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, और उसके तीन फैक्टर होते हैं क्या कि समर्स 13th सेंचुरी में जो वार्म समर्स थे ना वो कोल्ड समर्स में बन गए, और ऐसे वैसे कोल्ड नहीं इतने ठंडे समर्स कि अब लोग कुछ उगा ही नहीं पा रहे थे, कि कोई चीज़ मतलब ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। स्टॉर्म्स और ओशनिक फ्लडिंग का मतलब सारी फार्मस्टेड को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिसकी वजह से मतलब 13th सेंचुरी से पहले इतना कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, बट अब ये जो चीज़ थी जिसकी वजह से अब शॉर्टेज आने लग गई, ठीक है, कैटल में शॉर्टेज आने लगी, भुखमरी फैल गई, जिसकी वजह से ऑफकोर्स फेमाइन ही आता है, और ये जो फेमाइन आया
इसमें कैटल डेथ भी हुई, ह्यूमंस के साथ साथ कैटल डेथ भी जो है इसको इसमें हुई काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद मेटल मनी की शॉर्टेज पड़ गई, मेटल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ गई हमारे पास। जो सिल्वर माइन ऑस्ट्रिया से था जहाँ से आया करता था और सर्बिया से आया करता था, वहाँ की गवर्नमेंट ने मतलब सिल्वर का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था, ठीक है। तो जो ट्रेड एक्सपेंड हुआ 13 और 14 सेंचुरी में, उसमें ना जो ट्रेड था वो शिप्स के थ्रू आ गया था, बट शिप्स के साथ साथ आए रैट्स, और वो रैट्स लेकर आए प्लेग इन्फेक्शन। सो उस प्लेग इन्फेक्शन की वजह से इतने सारे लोग मरे जिसको ब्लैक डेथ बोला गया, ठीक है। सो ये जो एपिडेमिक था ये 1347 से 1350 तक चला, 3 साल तक। इसकी वजह से अराउंड 20% जो यूरोप की पॉपुलेशन है वो मर गई थी, और कुछ प्लेसेस थी जहाँ पे 40% ऑफ पॉपुलेशन भी मर गई, ठीक है। सिटीज़ में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हिट हुआ इस चीज़ का, जहाँ पे मोनेस्ट्री है वहाँ पे एक आदमी को भी हो जाए तो भाई ऐसी फैलती थी चीज़ें जैसे जंगल में आग, ठीक है। उस टाइम पे जो है पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो गया था, मतलब 1400 आते आते 1445 मिलियन तक का जो है वो रिडक्शन हो गया था। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सोशल डिसलोकेशन हुआ, डिपॉपुलेशन हो गया था, जिसकी वजह से मतलब अब लेबर की शॉर्टेज, खाने की शॉर्टेज, एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस है वो ड्रॉप हो गए, एग्रीकल्चर लेबर नहीं थे, 250% आफ्टर मौत, जिसकी वजह से ब्लैक डेथ हो रही थी, ठीक है। अब आता है सोशल अनरेस्ट। देखो लॉर्ड की जो इनकम है ना वो बहुत ही बुरी तरीके से हिट कर रही थी इन लोगों को, मतलब ये कहाँ कहाँ से टैक्स पे करे, और मतलब ना इनके पास बेटर एजुकेशन थी ना इनके पास मतलब कुछ चीज़ें थी, जो थी वो उन्हीं लोगों के पास थी जो गरीब थी, जो पीजेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में थे। सो उनके जो रिबेलियंस थे उनको भी बहुत ही ब्रथलेसली उनको क्रश कर दिया जा रहा था, ठीक है। जो वायलेंस था वो फैल तो रहा था एरियाज पे, बट इतना एक्सपेंशन में नहीं थी। एक साइन था जहाँ पे पीजेंट्स थे वो अटेम्प्ट कर रहे थे कि वो मतलब अपनी प्रीवियस सेंचुरीज की तरह उनकी जो मतलब जो चीज़ें उनके साथ हुआ करती थी वैसी ही चीज़ें रहे, ठीक है। देयरफॉर जो लॉर्ड्स थे वो मतलब रिवॉर्ड्स को तो वो क्रिश कर रहे थे बहुत ही मजे से, बिकॉज उनके पास ज़्यादा पैसे थे और ज़्यादा पावर थी, और जो पीजेंट्स थे वो इंश्योर कर रहे थे कि फ्यूडल प्रिविलेजेस जो है वो अर्ली डेज में री इन्वाइट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब पॉलिटिकल चेंजेस, देखो जो पॉलिटिकल स्फेयर डेवलप हुआ जिसकी वजह से सोशल प्रोसेसेस में मतलब चेंज देखने को मिला। 15-16 सेंचुरी में जो यूरोपियन किंग्स हैं उनकी मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर जो है वो स्ट्रेंथन हो गई थी, ठीक है। तो हिस्टोरियंस ने उस टाइम को बताया कि न्यू मोनार्क्स आ गए थे उस टाइम पे, ठीक है। लुई XI फ्रांस के, मैक्सिमिलियन ये बहुत ही ज़्यादा जो है एब्सोल्यूट रूलर थे, जिन्होंने चीज़ों को मतलब ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस स्टार्ट करा, मतलब उन्होंने स्टैंडिंग आर्मीज बनाई, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी बनाई, और जो है नेशनल टैक्सेशन शुरू करा, ठीक है। स्पेन और पोर्टुगल में उस टाइम पे इन्होंने जो है मतलब यूरोप के एक्सपेंशन जो है वो ओवरसीज भी उस टाइम पे होने लग गया था, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न था कि मोनार्कीज़ का ये चीज़ देखने को मिली वो द सोशल चेंज जो कि 12th और 13th सेंचुरी में हुआ, ठीक है। इकोनॉमिक और मतलब इतना स्लो रेट इकोनॉमिक ग्रोथ में हो रहा था जिसकी वजह से जो कंट्रोल है मतलब वो इतना पावरफुल सब्जेक्ट जो है वो नहीं रहा था, ठीक है। गन्स और जो भी एटलरी है वो सारी इक्विप कर दी गई, ठीक है। जो रिसेस मतलब जो भी रेजिस्टेंस था एरिस्टोक्रेसी का वो क्रम्बल हो रहा था, ठीक है। और वो राजा के फेस पे भी दिख रहा था उस टाइम पे, टैक्स इतना इंक्रीज हो रहा था। सो ऑफकोर्स मनास्क मनास्क के पास तो इतना रेवेन्यू आ रहा था, वो और ज़्यादा आर्मी जो है वो बना रही थी, बट वो आ कहाँ से रहा था, वो नॉर्मल लोगों के पास से ही आ रहा था, ठीक है। जो अब जो कॉमन थ्रेट था वो ये था कि अब सारे अपोजिशन कर रहे हैं, ऐसा ना हो मतलब अब उन्होंने ये बोला कि यार तुम टैक्स ले रहे हो तो सभी से लो ना, ऐसा क्या मतलब है कि तुम सिर्फ हम ही से टैक्स ले रहे हो। सो काफ़ी सारे रिबेलियंस हुए 1497 में, 1536 में, 1547 में, 1549 में, 1553 में। जो लुई XI थे उस टाइम पे उनको काफ़ी सारा स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है, उनके आने वाले प्रिंस को भी। जो रिलीजियस वॉर्स थे फ्रांस में वो 16th सेंचुरी में होने शुरू हो गए थे, ठीक है। जो कि रॉयल प्रिविलेज और रिलीजनल लिबर्टीज़ की बजाय बेसिकली वो चीज़ हुआ करती थी, ठीक है।
रीज़न था कि रॉयल एब्सोल्यूट जो है वो खुद को मतलब मॉडिफाई कर रही थी फेडरलिज्म में, और काफ़ी लोगों को ये चीज़ें जो पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। उनको ना एक परमानेंट पोजीशन दे दी जा रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे, और किंग जो है अब कोई भी एपेक्स पिरामिड वहाँ पे नहीं था लॉयलिटी का, ठीक है। अब वो पर्सनल डिपेंडेंस और ट्रस्ट पे ही जो है वो चीज़ें आ रही थी, ठीक है। मोनार्कीज बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई, पैटर्नेज जो है वो एंश्योर कर रही थी कि जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन को मतलब एक इंश्योर मीन्स बन गए, और जो पैटर्नेज है वो ज़्यादा जो है मतलब मनी वगैरह भी उन लोगों को प्रोवाइड करा रहे थे, ठीक है। मर्चेंट्स और जो बैंकर्स थे वो मतलब कोर्ट का एक्सेस उन्होंने गेन कर लिया उस टाइम पे, ठीक है। लेट हिस्ट्री में फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो इन्हीं चेंजेस और पावरफुल स्ट्रक्चर्स की वजह से उनको रीशेप किया गया, और जो रेन था वो उस टाइम पे चाइल्ड किंग लुई 13 का चल रहा था फ्रांस में, ठीक है। जो फ्रेंच कंजर्वेटिव असेंबली है वो उस टाइम पे सेटअप करी गई, जिसको एस्टेट जनरल बोला गया, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा 9th सेप्टेंबर में एस्टेट जनरल क्या क्या हुआ था, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। किंग ने 2 सेंचुरी के बाद जब इस स्टेट जनरल को बुलाया, उस टाइम पे स्टेट जनरल वालों ने बोला कि ये क्या मतलब है, अभी तक तुम हमें जा नहीं रहे थे, जैसे तुम्हारे पास पैसे की कमी है तो तुमने हमें बुला दिया, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने बोला कि ठीक है हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, बट आने वाले टाइम पे जब भी हो तो तुम हमें हमारे साथ ही मतलब चीज़ें सपोर्ट करोगे, ठीक है। इसकी वजह से पार्लियामेंट वगैरह बनना शुरू हो गया, और लॉर्ड के हाउस, मेंबर्स ऑफ लॉर्ड एंड क्लर्जी और कॉमन्स के हाउस से भी जो रिप्रेजेंटेटिव आने लगे टाउन और रूरल एरियाज में। किंग चार्ल्स वन जिन्होंने 11 साल के लिए रूल करा, उन्होंने पार्लियामेंट के बिना ही 11 साल तक रूल करा, जैसे चार्ल्स वन ने करा। पार्लियामेंट ने बोला कि अब उनके खिलाफ वॉर करेंगे और उन्हें मार देंगे, ठीक है। उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया और रिपब्लिक उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। और उन्होंने बोला कि अब जो पार्लियामेंट है वो रेगुलरली बैठेगी, ऐसा नहीं चार्ल्स वन की तरह, ठीक है। आज जो फ्रांस है वो एक रिपब्लिक फॉर्म है गवर्नमेंट का, ठीक है, और जो इंग्लैंड है वहाँ पे मोनार्की है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस आए हिस्ट्रीज में, ठीक है, और दो कंट्री का एक 17th लुक का हमने जो एक आउटलुक ले लिया है, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर इज वेल। आई होप यू लाइक इट। द चैप्टर वॉज इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी, हिस्ट्री इज़ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग। सो यस, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।